नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है जम्मू तवी से भागलपुर तक चलने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस के बारे में, जो कि अभी नए टाइम टेबल और नए टिकट किराए के साथ चल रही है, अपडेटेड किराए के साथ चल रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेन की जानकारी है वो है जम्मू तवी से भागलपुर तक चलने वाली वीकली ट्रेन के बारे में, जो कि है अमरनाथ एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है जम्मू तवी से हर मंगलवार को रात को 10:45 पर रवाना होती है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से जम्मू तवी से, और भागलपुर में 35:10 बाद में पहुंचती है सुबह 9:55 पर। और इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं, 1780 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है वो है 51 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में सुपर फास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता। वैसे इसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसका ट्रेन नंबर है 1598। यह अमरनाथ एक्सप्रेस है जो कि जम्मू तवी से भागलपुर के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे इस ट्रेन के टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो अमरनाथ एक्सप्रेस का जम्मू तवी से भागलपुर तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो जम्मू तवी से भागलपुर तक चलने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस में सेकंड एसी के कोच हैं, जिसका जम्मू तवी से भागलपुर तक का टोटल किराया है वो है 2705 रुपये, जिसमें 2526 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 129 रुपये है, टोटल किराया जो है वो है 2705 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जम्मू तवी से भागलपुर तक का टोटल किराया है वो है 1865 रुपये, जिसमें 1736 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 90 रुपये है, टोटल किराया जो है वो है 1865 रुपये। यह अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। बाकी स्लीपर क्लास के कोच भी हैं इसमें। स्लीपर क्लास का जो टोटल किराया है वो है 700 रुपये, जिसमें 680 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, टोटल चार्जेस जो है वो है 700 रुपये। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता और जनरल डिब्बों में भी नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों के तकरीबन इस ट्रेन में 5 कोचेज हैं, तो जिसमें रिजर्वेशन के साथ जो किराया है वो है 430 रुपये, जिसमें 415 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है, और टोटल किराया जो है जम्मू तवी से भागलपुर तक का वो है जनरल डिब्बों का रिजर्वेशन के साथ 430 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी जो है परचेज आपको प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी आपको डायरेक्टली जो है ट्रेन के अंदर मिलेगी, आपकी टिकट में इंक्लूड नहीं होते हैं इसके चार्जेस, आपको डायरेक्टली जो है ट्रेन के अंदर ही जो है फूड जो है खरीदना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जम्मू तवी से भागलपुर तक चलने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू तवी भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस जो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से हर मंगलवार को रात को 10:45 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 35:10 बाद ये भागलपुर जंक्शन बिहार में पहुंचती है, और इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का वो है कठुआ रेलवे स्टेशन, रात के 11:45 पर पहुंचती है और 11:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 76 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है KTHU। इसके बाद ये ट्रेन जो है पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है रात के 12:25 पर और 12:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। पठानकोट कैंट जो है पंजाब का स्टेशन है, यहाँ तक की जो दूरी है 100 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है PTKC। इसके बाद ये ट्रेन जो है जलंधर कैंट जंक्शन में रात के 2:20 पर पहुँचती है और 2:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 211 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन पंजाब में पहुंचती है रात के 3:20 पर और 3:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 265 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। लुधियाना जंक्शन का स्टेशन कोड है LDH। और इसके बाद यह ट्रेन जो है अंबाला कैंट जंक्शन में पहुँचती है सुबह 5:17 पर और 5:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 377 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हरियाणा का ये पहला स्टेशन अंबाला कैंट जंक्शन, इसके बाद हरियाणा के दूसरे और आखिरी स्टेशन यमुनानगर जगाधरी में यह ट्रेन जो है सुबह 6:07 पर पहुँचती है और 6:09 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। अमरनाथ एक्सप्रेस जो है यहाँ से
यमुनानगर जगाधरी की 430 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सहारनपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। ये उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन है। यहाँ पर सुबह 6:50 पर पहुंचती है और 7 वहां से रवाना हो जाती है। तकरीबन 10 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर सहारनपुर में अमरनाथ एक्सप्रेस रुकती है और तकरीबन 460 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। रुड़की रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में ये ट्रेन जो है सुबह 7:36 पर पहुंचती है और 7:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 494 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है लक्सर जंक्शन जो कि उत्तराखंड का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 7:58 पर पहुंचती है और 8 सुबह वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। अपने अगले स्टेशन पर यह ट्रेन जो है मुरादाबाद जंक्शन में पहुंचती है सुबह 10:05 पर और 10:13 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 652 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है MB। इसके बाद यह ट्रेन जो है बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है सुबह 11:38 पर और 11:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बरेली जंक्शन के बाद यह ट्रेन जो है अपने 13वें स्टेशन शाहजहानपुर में दोपहर के 12:45 पर पहुंचती है और 12:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। शाहजहानपुर के बाद यह ट्रेन जो है लखनऊ चारबाग में दोपहर के 3:20 पर पहुंचती है और 3:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 975 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर हावड़ा अमृतसर मेल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 5:30 पर पहुंचती है और 5:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1095 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बस्ती रेलवे स्टेशन पर यह शाम के 6:42 पर पहुंचती है। 6:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1183 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में यह ट्रेन जो है रात के 8:40 पर पहुंचती है और 8:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद देवरिया सदर में ट्रेन जो है रात के 9:51 पर पहुँचती है और 9:56 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और जम्मू तवी से देवरिया की जो दूरी है 1296 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन भटनी जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है जो कि उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है। यहां पर ट्रेन जो है रात के 10:16 पर पहुंचती है और 10:18 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद यह ट्रेन जो है बिहार में एंटर करती है। बिहार के पहले स्टेशन पर अमरनाथ एक्सप्रेस जो है सिवान जंक्शन में रात के 11 पहुंचती है और 11:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1352 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है छपरा जंक्शन बिहार में पहुंचती है रात के 12:40 पर और 12:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1426 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। छपरा जंक्शन के बाद यह ट्रेन जो है सोनपुर जंक्शन बिहार में रात के 1:53 पर पहुंचती है और 1:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1480 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SEE। सोनपुर जंक्शन के बाद यह ट्रेन जो है हाजीपुर जंक्शन बिहार में पहुंचती है। हाजीपुर जंक्शन बिहार में रात के 2:05 पर पहुंचती है और 2:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और जम्मू तवी से हाजीपुर की जो दूरी है तकरीबन 485 किलोमीटर के करीब ये कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन में पहुंचती है रात के 3:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1540 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन समस्तीपुर जंक्शन बिहार में सुबह 4 पहुंचती है और 4:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1591 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बरौनी जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है सुबह 5:15 पर पहुंचती है और 5:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 20 मिनट का स्टॉप है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1642 किलोमीटर के करीब जो है जम्मू तवी से यहाँ तक दूरी कवर कर चुकी होती है। खियूल जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है सुबह 7:15 पर पहुंचती है और 7:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है।
इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और ये इस ट्रेन का 27वां स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अभयपुर बिहार में पहुँचती है सुबह 7:43 पे और 7:44 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1704 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और अभयपुर का स्टेशन कोड है EH। इसके बाद ये ट्रेन जो है जम्मू तवी भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस जो है वो जमालपुर जंक्शन बिहार में सुबह 8:20 पे पहुँचती है और 8:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1726 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सुल्तानगंज में सुबह 8:53 पे पहुँचती है और 8:54 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1755 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने आखिरी स्टेशन पे ये ट्रेन जो है भागलपुर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:55 पे और 1 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। जम्मू तवी से भागलपुर की जो दूरी है 1780 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ जम्मू तवी से भागलपुर तक चलने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो ना तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।